हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको कंफ्यूज जो जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और उन कंफ्यूजिंग क्वेश्चनों के साथ मैं आज आपके लिए एक आपकी एक आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं हरियाणा जीके से संबंधित बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट आपका पॉइंट है धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा आपका करनाल को कहा जाता है। लेकिन धान का कटोरा आपका किसको कहा जाता है? धान का कटोरा आपको करनाल आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। लेकिन चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा आपके पानीपत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका चावल की कटोरी। चावल की कटोरी आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। और चावल की मंडी आपकी पानीपत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट करवाया आपको मैंने कि चावल का धान का कटोरा, धान का कटोरा करनाल, और धान का चावल का कटोरा पानीपत। चावल की कटोरी सोनीपत, चावल की मंडी पानीपत। आगे बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस का। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका कि सबसे ज्यादा चावल की किस्में किस्में पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा चावल की किस्में पाई जाती हैं आपकी कैथल में, और सबसे ज्यादा चावल पाया जाता है आपके करनाल में। सबसे ज्यादा चावल करनाल में और सबसे ज्यादा चावल की किस्में पर काम पाई जाती है आपकी कैथल में। आगे बात करते हैं कि भारत की राजनीतिक राजधानी क्या है? पॉलिटिकल कैपिटल क्या है भारत की? रोहतक। लेकिन आर्थिक कैपिटल क्या है? गुड़गांव। आर्थिक कैपिटल गुड़गांव, और राजनीतिक कैपिटल आपकी राजनीतिक कैपिटल रहेगी आपकी रोहतक, और आर्थिक कैपिटल रहेगी आपकी गुड़गांव। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट का। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? पिंक सिटी ऑफ हरियाणा का दर्जा किसे दिया गया है? फतेहाबाद। लेकिन पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जयपुर। और पिंक सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? फतेहाबाद। फतेहाबाद को पिंक सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। आगे देखिए आपका ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ब्लू सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जोधपुर को। और पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को। और पिंक सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? फतेहाबाद का। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता आपको किस डिस्ट्रिक्ट में? आपका नारनौल में। लेकिन बीरबल की नगरी किसे कहा जाता है? आपका नारनौल। बीरबल का छत्ता भी आपका नारनौल में ही है, और बीरबल की नगरी भी आपका किसे कहा जाता है? बीरबल की नगरी भी आपको नारनौल को कहा जाता है। और बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल कहाँ पर? आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपका बीरबल का रंग महल स्थित है। बीरबल का रंग महल कहाँ? आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपका बीरबल का रंग महल स्थित है। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट का। आपका नेक्स्ट पॉइंट है मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? भिवानी। लेकिन प्राचीन मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? बेरी। और मंदिरों का गांव, मंदिरों का शहर भिवानी, मंदिरों का गांव सिवान केथल, लेकिन प्राचीन मंदिरों का गांव आपका बेरी। ठीक है, मंदिरों का शहर भिवानी, मंदिरों का गांव आपका सिवान केथल, और मंदिरों का प्राचीन मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? आपका बेरी। आगे आपके नेक्स्ट पॉइंट है आपका हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल। और दूसरा हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? पंचकूला शहर को दूसरा हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी। और मिनी ब्राजील, मिनी ब्राजील किसे कहा जाता है? अलकपुरा भिवानी, अलकपुरा गाँव भिवानी। और मिनी इटली किसे कहा जाता है? देरुडू केथल, देरुडू केथल को मिनी इटली कहा जाता है। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट का। आपका नेक्स्ट पॉइंट है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा आपका कहाँ बनाएगा? थानेसर में। लेकिन चिल्ली नगरी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद। शेख चिल्ली का मकबरा है जो आपका कहाँ स्थित है? थानेसर में। लेकिन चिल्ली नगरी किसे कहा जाता है? आपका फतेहाबाद को चिल्ली नगरी कहा जाता है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है जुड़वा शहर। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पांडु तीर्थ। पांडु तीर्थ किसे कहा जाता है? तो शाम को। और पांडु मेला कहाँ लगता है? पफाणा करनाल। किस कहाँ लगता है? पफाणा गांव करनाल में आपका पांडु मेला लगता है। और पांडु तीर्थ किसे कहा जाता है? पांडु तीर्थ किसे कहा जाता है? तो शाम को। और पांडु मेला कहाँ लगता है? पफाणा गाँव करनाल में। और पिंडदान या पुंडरी किसे कहा जाता है? पेहुआ कुरुक्षेत्र। और पांडु पिंडारा का क्या नाम है? पांडु पिंडारा आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में? आपके जींद डिस्ट्रिक्ट में आपका पांडु पिंडारा। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट का। आपका नेक्स्ट पॉइंट है जुड़वा शहर। जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? जगाधरी एम यमुनानगर। जगाधरी एम यमुनानगर को आपका जुड़वा शहर कहा जाता है। और जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? पंचकूला चंडीगढ़ को भी आपका जुड़वा शहर कहा जाता है।
आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कालका माता मंदिर। कालका माता मंदिर कहाँ है? कालका माता मंदिर आपका मंदिर और मेला दोनों ही एक जगह पर लगते हैं, कालका, और कालका शहर आपका पंचकुला। कालका माता मंदिर और कालका का मेला आपका गुड़गांव में लगता है, लेकिन कालका का कालका शहर है जो आपके पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कालका जी की जगह, कालका जी की जगह कहाँ पर आपकी? कालका जी की जगह है आपका दिल्ली में, आपकी कालका जी की जगह है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है गीता मंदिर। गीता मंदिर आपका कहाँ पर है? गीता मंदिर आपका कैथल में है, और गीता भवन आपका कुरुक्षेत्र में। गीता मंदिर आपका कैथल और गीता भवन आपका कुरुक्षेत्र में है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है हनुमान नगरी। हनुमान नगरी किसे कहा जाता है? कैथल को। और पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। और पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? पलवल। कपाल मोचन गुरुद्वारा आपका कहाँ पर है? बिलासपुर यमुनानगर। और शिव हनुमान मंदिर कहाँ पर है? हिसार। इमलोटा का हनुमान मंदिर दादरी, इमलोटा का हनुमान मंदिर दादरी। शिव हनुमान मंदिर आपका है हिसार, और कपाल मोचन गुरुद्वारा आपका कहाँ है? बिलासपुर यमुनानगर। पंचवटी मंदिर पलवल, और हनुमान नगरी आपका किसे कहा जाता है? कैथल को आपका हनुमान नगरी कहा जाता है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है घनघोर शहर। घनघोर का शहर किसे कहा जाता है? सोनीपत। और घनघोर का मेला कहाँ लगता है? सिरसा। घनघोर का शहर किसे कहा जाता है? सोनीपत। और घनघोर का मेला कहाँ लगता है? आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट में आपका घनघोर का मेला लगता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका सरस्वती नगर। सरस्वती नगर किसे कहा जाता है? सिरसा को। लेकिन सरस्वती नगर आपको सिरसा को कहा जाता है, और सरस्वती नगर यमुनानगर का, सरस्वती नगर यमुनानगर के एक गाँव का नाम भी है। और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आपका आदिबद्री पंचकुला। आदिबद्री पंचकुला में आपका सिरसा नगर, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और सरस्वती नगर किसे कहा जाता है? सिरसा को आपका सरस्वती नगर कहा जाता है। और सरस्वती नगर एक यमुनानगर के गांव का एक नाम भी है, सरस्वती नगर। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट का। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पीतल नगरी। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी। पीतल नगरी आपके किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। और बर्तन नगरी किसे कहा जाता है? जगाधरी। और चीनी मिट्टी बर्तन, जो चीनी मिट्टी के बर्तन वो कहाँ पर बनते हैं? आपके गुड़गांव। एक बार फिर से देखिए, पीतल नगरी रेवाड़ी, और बर्तन नगरी जगाधरी, और चीनी मिट्टी के बर्तन आपके गुड़गांव। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका बावड़ियों का नगर। बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? नारनौल। बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? नारनौल। और 360 बावड़ी कहाँ पर है? पंचकुला के पिंजौर शहर में स्थित है। और 360 तीर्थ कहाँ पर? आपके कुरुक्षेत्र में आपके 360 तीर्थ है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, रहेगा ताजमहल ऑफ हरियाणा। ताजमहल ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को आपका ताजमहल ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? पटौदी महल को आपका व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। लाल किला ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? शीश महल फर्कनगर को आपका रेड फोर्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, ताजमहल ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को ताजमहल ऑफ हरियाणा कहा जाता है। लाल किला ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? आपका कहा जाता है शीश महल फर्कनगर को। और व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? पटौदी महल को व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। पटौदी महल को आपका व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इब्राहिम खान सूरी का मकबरा। इब्राहिम खान सूरी का मकबरा कहाँ है? आपका नारनौल में। और इब्राहिम खान का मकबरा आपका कहाँ है? पानीपत। इब्राहिम खान सूरी का मकबरा आपका है नारनौल में। और इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका पानीपत कहाँ पर है? इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका पानीपत नारनौल। और इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका पानीपत। और इब्राहिम सूरी का मकबरा आपका नारनौल में। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरज कुंड का मेला है वो कहाँ पर लगता है? वो फरीदाबाद में लगता है आपका सूरज कुंड का मेला। और सूर्य कुंड मंदिर है, जो सूरज कुंड का मेला आपका लगता है फरीदाबाद में। और जो सूरज कुंड का मंदिर है वो है आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और सूर्य कुंड गुरुद्वारा आपका अम्बाड़ा। सूर्य कुंड मंदिर आपका है यमुनानगर। और सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? आपका फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगता है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि
चांदराम पैदल चाल। चांदराम पैदल चाल, जो चांदराम थे वे पैदल पैदल चाल से संबंधित थे। वे किस डिस्ट्रिक्ट से आपके, वे आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से थे। और चंदगीराम, चांदराम थे जो आपके वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। और जो चंदगीराम है वो आपके सिसाई हिसार से संबंध रखते थे। कहाँ से रखते थे? सिसाई हिसार से आपका संबंध रखते थे आपके चंदगीराम। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स। भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स आपका पिंजौर, और भीमेश्वरी मंदिर आपका बेरी जज्जर, और भीमा देवी मंदिर आपका पिंजौर। भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स आपका पिंजौर, और भीमा देवी मंदिर आपका पिंजौर, और भीमेश्वरी का मंदिर आपका बेरी जज्जर। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है मीर ए मजार कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद। और मीर साहब आजम समाधि, मीर साहब आजम की समाधि कहाँ पर आपका? हाँसी। मीर आजम साहब की समाधि आपकी है हाँसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी समाधि। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि शहीदों का शहर क्या है आपका? जज्जर। शहीदों का शहर आपका क्या है? जज्जर। शहीदों का शहर आपका जज्जर। और अमीर शहीदों का गांव आपका तिगांव फरीदाबाद। तिगांव फरीदाबाद आपका अमर शहीदों का गांव है, और शहीदों का शहर आपका जज्जर। और वीरभूमि, वीरभूमि किसे कहा जाता है? वीरभूमि आपका कहा जाता, किसे कहा जाता है? रेवाड़ी। रेवाड़ी को आपका वीरभूमि कहा जाता है। और सैनिकों की नगरी आपकी कोसली सिटी, सैनिकों की नगरी है कोसली। और वीरभूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी। शहीदों का शहर जज्जर, और अमीर शहीदों का गांव है तिगांव फरीदाबाद। सिटी ऑफ हीरोज, सिटी ऑफ हीरोज किसे कहा जाता है? भिवानी। सिटी ऑफ हीरोज किसे कहा जाता है? आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ हीरोज कहा जाता है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी सोनीपत, और एजुकेशन हब रोहतक। ये तो सभी को मालूम, आपको एजुकेशन सिटी आपकी सोनीपत, और एजुकेशन हब आपका रोहतक। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर आपका कैथल। और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे जो हरियाणा में है वो किस शहर में है? वे आपके अम्बाला। किस में है? अम्बाला। गुरुद्वारों का शहर कैथल, लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर? अम्बाला। और गुरुद्वारों का गाँव कहाँ है? सिवान गाँव कैथल। क्या है? सिवान गाँव कैथल। गुरुद्वारों का भी शहर है, और गुरुद्वारों मंदिरों का भी शहर गाँव है। गुरुद्वार का गाँव सिवान कैथल, और गुरु मंदिरों का गाँव सिवान कैथल। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट का, आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद। और औद्योगिक विहार, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, औद्योगिक विहार गुड़गांव, और आर्थिक नगरी गुड़गांव। इकोनॉमिक कैपिटल है आपकी गुड़गांव, औद्योगिक विहार आपके गुरुग्राम, और औद्योगिक नगरी आपके फरीदाबाद। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है मामा बाणजा सराय। मामा बाणजा सराय आपके यहाँ कहाँ है? गरौंडा। मामा बाणजा सराय आपकी कहाँ? गरौंडा। और मामा बाणजा जो आपका मामा बाणजा का दरगाह है वो कहाँ पर? सोनीपत। मामा बाणजा सराय आपकी गरौंडा करनाल, और मामा बाणजा दरगाह आपकी सोनीपत, और दादा पोता का मंदिर आपका पानीपत। ठीक है, आगे देखिए वन नगरी किसे कहा जाता है? वन नगरी कहा जाता है आपका सिरसा, और वन नगर कहा जाता है पंचकुला, और सबसे ज्यादा 1% कहाँ पर है? पंचकुला। वन नगरी सिरसा, वन नगरी सिरसा, वन नगर आपका पंचकुला, और सबसे ज्यादा अधिक वन किस डिस्ट्रिक्ट में आपके? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आपके सबसे ज्यादा वन है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि फुटवियर उद्योग, फुटवियर उद्योग केंद्र, फुटवियर उद्योग केंद्र कहाँ पर है? बहादुरगढ़। और फुटवियर पार्क है खरखोदा, खरखोदा व करनाल। फुटवियर उद्योग केंद्र है जो, फुटवियर उद्योग केंद्र आपका बहादुरगढ़, और फुटवियर जो पार्क हो कहाँ पर? खरखोदा और करनाल। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वीटा दूध प्लांट है, वीटा का जो दूध प्लांट है वो आपके कहाँ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जींद व रोहतक में आपका वीटा दूध प्लांट, और गाय दूध प्लांट आपका कुरुक्षेत्र में है, और लक्सा दूध प्लांट आपका कंडेला जींद। लक्सा दूध प्लांट कंडेला जींद, और गाय दूध प्लांट आपका कुरुक्षेत्र, और वीटा दूध प्लांट आपका जींद व रोहतक। आगे देखिए आपके नेक्स्ट पॉइंट है कि गजरिया, गजरिया क्या है आपका? पैर का आभूषण, और गजरा क्या है? कलाई का आभूषण। गजरिया पैर का आभूषण, और गजरिया पैर का आभूषण, और गजरा क्या है आपका? कलाई का आभूषण। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी।
जो राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी है वो कहाँ पर आपकी, राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी है आपकी रोहतक, और बॉक्सिंग अकादमी आपकी रोहतक, और बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी। राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी रोहतक, बॉक्सिंग अकादमी रोहतक और बॉक्सिंग का पावर हाउस आपका भिवानी। आगे देखिए, युद्धकालीन साँचे आपके कहाँ पे ले हैं, सोने खोखरा कोट रोहतक, और युद्ध गणराज्य की मौर्य कहाँ पे मिली है, रोहतक। युद्ध गणराज्य की मौर्य आपकी कहाँ पर मिली है, औरंगाबाद भिवानी, और युद्ध गण के साँचे कहाँ पर मिले हैं, खोखरा कोट रोहतक। ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस जो आपके हरियाणा के एग्जाम्स में लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स।